बेटी कई बेटे ऐसे होंगे जो 4-5 साल से लगातार कथा सुन रहे होंगे, कोई कोई ऐसा होगा जो 9-10 साल से कथा सुन रहा होगा, कोई कोई ऐसा होगा 12-15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो। हमारी पुरानी कथाओं को भी निकाल कर देखना, सारी कथाओं को निकाल कर देखोगे, हमने किसी कथा में ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिर में 2-4 घंटे बैठो। हमने किसी कथा में यह नहीं कहा कि किसी तीर्थ में जाकर आप 2-4 घंटे बैठो। हम इतना जरूर कहे हैं कि अपनी मेहनत, अपनी लगन पूरी रखो। कई माताएं कह देती हैं, कई भाई लोग कह देते हैं, आज उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। एक ऑफिसर ने यह कह दिया कि किसी को डांट दिया और कह दिया कि आज मेरा पूरा दिन खराब। आवाज नहीं आ रही क्या? उधर की आवाज खुली है, बाहर की? कोई कह देता है कि मेरा दिन पूरा खराब हो गया, कोई कह देता है मेरा समय पूरा बर्बाद हो गया। शिव पुराण कहती है, एक जरा सा किसी के कहने पर, एक जरा सा संबोधन या एक शब्द किसी के कहने के बाद में आपका पूरा दिन क्यों बेकार करता? आप अपना समय क्यों बर्बाद करते? किसी ने अपशब्द कहा और आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, किसी के कहने पर, किसी के ताना देने पर, किसी के गाली देने पर, किसी के आड़े टेढ़े बोलने पर आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, वो श्रेष्ठ नहीं है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करें और उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखकर। और मैंने तेरे ही भरोसे मामा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, मामा डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कथा शंभो मैं तेरी कथा हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत तो छड़ीना मैं कटी जावांगी। कोई कह दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया, नहीं। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। आपके पास में 86,400 रुपए हैं, कितने रुपए हैं जम के बोलो जरा? 86,400 रुपए आपके पास में। अब 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए, कितना रुपए चुराए? जम के बोलो जरा, 10 रुपए। 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मेरे 10 रुपए चुरा लिए, तो तुम क्या करोगे? 86,400 में से 10 रुपए तो चुरा लिए, अब 86,390 जो बचे हैं तुम उसको फेंक दोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं। छियासी हजार चार सौ रुपये में से 10 रुपये कोई चुरा के ले गया
तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिया, और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या 86,390 फेंक दोगे? नहीं फेंको, उसको तुम फेंकने वाले नहीं हो। तुम फेंकोगे नहीं उसको, और हो सकता है कोई ऐसा बहुत धनपति हो, करोड़पति हो, वैभवपति हो तो वो फेंक भी दे कि 86,390 बचे हमें तो फेंकना है, 10 रुपए किसने निकाल लिए मेरे, 10 रुपए चुराए किसने मेरे, और वो 10 रुपए के चक्कर में तुम 86,390 रुपए फेंक दो, कहीं कहीं का हो सकता है, पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझदार व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वो 86,390 फेंकेगा नहीं, वो फेंकेगा नहीं। बोलो रे बोलो छत्तीसगढ़ वालों, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। 10 रुपए चले गए ना, तो तुमने अपने 86,390 रुपए संभाल के उसको रख लिया, संभाल के उसको रख लिया, संजो के उसको रख लिया। अब इतनी चतुरता छत्तीसगढ़ वालों आपको है, इतनी चतुरता पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे राष्ट्र में जितने बैठे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं, उन सबको मालूम है कि 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपए फेंके नहीं जा सकते। तो फिर पूरे एक दिन में, पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। कितने सेकंड होते हैं जम के बोलो? पूरे सेकंड होते हैं, 24 घंटे का अनुवाद लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुआ है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए, और 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड अगर किसी ने अपना बेकार भी कर दिया तो निवेदन है बाकी के सेकंड को हमें बेकार नहीं होने देना है, बाकी का सेकंड हमें अपना बनाकर रखना। फिर क्यों कह देते हो कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, आज मेरा पूरा दिन बेकार हो गया? काहे को दिन बेकार हो गया? उसने 10 सेकंड बोला, उसने 1 मिनट बोला, उसने 15 मिनट बोला, वो 15 मिनट जाने तो बाकी का दिन तो अच्छा निकालो। वो 10-15 मिनट गए ना, जाने दो, पर बाकी का समय तो अच्छा निकालो। वो 15-20 मिनट जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, जो व्यर्थ की बातें हुई, वो जाने दो, उसके सिवाय जो अच्छा समय है हमारा उसको आप अच्छा निकालने का प्रयास करो।